दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। किसी ने बिल्कुल सही कहा है। दिवाली वाले दिन लोग अपने घरों के बाहर दिए जलाते हैं और हर जगह रोशनी भी फैलाते हैं। दुश्मनी भूल के, एक दूसरे से गले मिल के, सब लोग मिल के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। शेरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई, जादू सा है कुछ सवा में। Just a young gun with a quick fuse, I was uptight, wanna let loose, I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower, fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, जॉइन मैंगो बैक टू द मैंगो लाइफ ऑफ सैम। और भैया वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आई होप आप लोग बढ़िया करो यार, अपनी जिंदगी में खुश रहो। और सबसे बड़ी बात, दिवाली पे, इस बारी दिवाली पे पटाखे मत फोड़। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने नहीं फोड़े हो दिवाली पे पटाखे, क्योंकि यार बहुत सारी फैमिलीज है जो इस समय सफर कर रही है, तो हम लोग पटाखे फोड़ के उनको और दिक्कत क्यों दें। न्यू एरिया फॉर व्लॉगिंग राइट। तो ये जो है, ये नया एरिया हम लोगों ने, ये जो छत पे इतने दिनों से ये काम चल रहा था, तो आज ये पूरा हो चुका है और ये सब कुछ बन गया है। मैं आप लोगों को एक डिटेल में वीडियो इसके लिए अलग बनाऊंगा कि क्या क्या एक्चुअल में बना है, रूम टूर वगैरह सब कुछ। अभी सब कह सकते हो सब कुछ रेडी हुआ है, सजाने का काम मेरा है। उसको कैसे सजाऊंगा वो मैं देखूंगा। तो आप लोगों अपने छत की एक अजीब सा लॉक दिखाता हूँ। ये ना हमारे एक्चुअली में, ये मेरे, ये ऊपर आप लोगों को शीशे का गेट दिख रहा होगा, अंदर जाओगे तो मेरा रूम है वहाँ पे, और ये बाहर का एक एरिया ओपन सा है। तो यहाँ पे एक शीशे का गेट लगा हुआ है, मैं आप लोगों को उसका लॉक दिखाता हूँ। सोनी का डैक दिवाली के पार्टी के लिए, क्योंकि आज होगी दिवाली वाली पार्टी, मेरे सारे कजन्स आने वाले हैं। पटाखे वटाखे इस बारी मैं नहीं लेके आया हूँ, एक भी पिछले साल लेके आया था, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं हर साल लेके आता हूँ, मैं पहले कहते तो मैं पटाखे नहीं लेके आऊँगा, बट हर साल पटाखे ले आता हूँ। बट इस बारी लिटरली मैं भगवान का समय कोई पटाखे नहीं लेके आया हूँ, सच में बता रहा हूँ। मैंने क्योंकि इस बारी सोचा था कि मैं ना बहुत चाहता हूँ कि मैं थोड़ा शांति से दिवाली बिताऊँ। मतलब इतना यार, इतना सारा कुछ कोविड वगैरह ये चीज़ हो चुकी है ना, मेरे को मन नहीं रहा यार, अब मैं पटाखे फोड़ के ना और बीमारियाँ फैलाऊँ उल्टी सीधी। बैठ गया, ऐसा लगा लाइटिंग लगने के बाद। भाई बड़े दुख के साथ मेरे को आप लोगों को ये चीज़ बतानी पड़ रही है कि मेरे बाल ऑफिशियली कट चुके हैं। आप लोगों ने अगर पिछली वाली ब्लॉग देखी है तो उस तक मेरे बाल आ रहे थे यहाँ तक साइड के भी, और आज यार ऐसा लग रहा है मैं बच्चा हूँ। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अपने आपको ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं 10 साल छोटा हो गया हूँ। मतलब अभी मैं 18 साल का हूँ तो मैं 8 साल का बन गया हूँ। ऐसे अगर मैं दाढ़ी वाड़ी हटा दूँ तो मैं 8 साल का ही लगूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। अरे भाई क्या कर सकते हैं, नसीब है तो कभी। वैसे मैं सही बताऊँ तो चेंज ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर आप लोग भी एक हेयर स्टाइल रख लो तो थोड़ा चेंज करो। ये मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, ये होता है ना ऐसे कि जैसे खुद कटवा लो तो दूसरों को जानबूझ के लगता भाई वो भी कटवा ले, तो मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। दिखाओ भैया क्या लगाया आपने भी, बढ़िया लग रहे हैं अब। मतलब अब चारों टंग में ना अच्छे लग रहे हैं इसलिए। पहले मैं भैया को बोल रहा था कि ये जो वो टांग रहे हैं वो मत टांगो क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे वो, बट अब जब चारों टंग गए तो अच्छे लग रहे हैं। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है इससे, ये बहुत भरा भरा है। भैया क्या है ना, नया नया फ्लोर है थोड़ा, तो नए नए फ्लोर को भी थोड़ा सजाना पड़ता है। अभी मेरी एको आ रही होगी क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे, अब मुझे ये रीजन नहीं पता एको आ रही है नहीं आ रही। मैंने वैसे देखा था अमेज़न में कि एकोस्टिक शीट टाइप आती है वो दीवार पे लग जाती है, उससे क्या होता है एको खत्म हो जाती है। वो वाली लगा देंगे खैर। उसके बाद दिवाली का सबसे ज़रूरी काम माता रानी और गणपति जी की पूजा। पूजा के बाद हम लोगों ने सारा घर ऊपर से लेकर नीचे तक दिए से रोशन किया। तो भाई अब दिवाली खत्म, अब पार्टी चालू, पार्टी करेंगे, पार्टी इन द हाउस। इसका पेट बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, पेट बड़ा हो रहा है। चल भाई निकल, चलो भाई पार्टी शार्टी करो। सब सारे कजन्स घर पे आ चुके हैं और अब हम पार्टी करेंगे। तो
तो मैंने सोचा था कि हम सारे कजन्स मिलके बहुत धूम मचा के नाचेंगे, पेप्सी वेप्सी उड़ाएंगे, पार्टी करेंगे, बट कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, तो रियलिटी तो कुछ और ही निकली। अबे सब डांस तो करो यार, गाना चलाने का तो मजा है जब थोड़ा फन हो यार। अबे मैं हिलूंगा, तुम आओ डांस तो करते हैं। अबे मैं तो हिल रहा हूँ, ले 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 हिल गया, आओ तो डांस कर रहे हैं। कह रहे वो तो पहले हिल, तू हिल, फिर उसके बाद डांस करने आएंगे। ये देखो, पर कोई नहीं, जैसे तैसे मैंने अपने एक कजन को तो डांस करने के लिए मना लिया, और जैसे ही मैंने उसको डांस करने के लिए मनाया, भाई साहब पागलपन छा गया। रियली मैम, मैं बहुत डांस, भले ही यार जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो पाया, मैं सिर्फ 60% या 50% ही सेलिब्रेट कर पाया, मजे कर पाया जो जितना मैं चाहता था। बट कोई नहीं, मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर त्यौहार बना पाया, आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया, मेरे लिए और कोई बड़ी बात है ही नहीं। थैंक यू सो मच मेरे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, फिर से थैंक यू सो मच। And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.